एक बार पहले राय ले लेते हैं सुमित जी, जरा देखें जो फॉक्सकॉन के साथ ये जॉइंट वेंचर करने वाले थे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए भारत में, वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से कहना है कि वो अभी भी इसके लिए कमिटेड है, नए पार्टनर की तलाश करेंगे। जरा वेदांता के चार्ट पहले अपनी राय दें सुमित जी। दीपांशु, मेरे से पूछा ना ये सवाल? बिल्कुल सर, वेदांता। देखिए दीपांशु, वेदांता के अंदर कल भी जैसे डिस्कशन हुआ था, ये स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 270 275 के पास का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और ऊपर में 290 300 का रेजिस्टेंस है। जून पूरा महीना इसी रेंज के अंदर घुमा है, जुलाई के स्टार्टिंग 10 दिन के अंदर भी इसी रेंज में ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो इसमें मेजर ब्रेकआउट तो मिलेगा 290 300 का लेवल टूटने के बाद ही। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटते तब तक इसमें कोई बड़ा मूव बनेगा नहीं, और नीचे में 270 का सपोर्ट है, ये लेवल टूटने के बाद इसमें गिरावट आएगा। तो इसी रेंज में जब तक ये सपोर्ट के पास आता है बाय करें, रेजिस्टेंस के पास आता है सेल करें। इधर साइड मूव अच्छा देखने को मिलेगा जब इसके अंदर रेंज ब्रेकआउट आएगा, तभी। फिलहाल ये साइडवेज है आपके लिए वेदांता, जो हल्के हरे निशान में कल बंद होने में रहा कामयाब। देखते हैं आज फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर टूटने का क्या असर स्टॉक पर पड़ता है। हालांकि